थाना अतमादपुर क्षेत्र में बेकाबू रोडवेज बस आगे चल रहे टैंकर में घुस गई। इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई जबकि डेढ़ दर्जन सवारी घायल हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर से सवारी लेकर आगरा आ रही आगरा फोर्ट डिपो की बस कुबेरपुर के पास हाईवे पर आगे चल रहे टैंकर में घुस गई। हादसे के बाद सवारियों में चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची अतमादपुर थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसमें दो सवारियों की मौत हुई है जबकि डेढ़ दर्जन सवारी घायल हुई है। घायलों को पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया है। बताया गया है कि चालक योगेंद्र प्रताप और परिचालक जितेंद्र कानपुर से 55 यात्री लेकर आगरा के लिए रवाना हुए थे। माना जा रहा है कि कुबेरपुर के पास चालक को नींद आ गई और इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई जबकि डेढ़ दर्जन सवारी घायल हो गई। एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है क्योंकि 600 किलोमीटर के ऊपर माननीय एमडी साहब के अंदर ये आदेश है उनके कि दो चालक जाने चाहिए 600 किलोमीटर से ऊपर, और अगर एक चालक जाता है तो उसको 10 घंटे का विश्राम करना चाहिए जहाँ भी वो गाड़ी लेके जाता है। लेकिन इन चालक परिचालकों के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि आप गाड़ी लेके आइए, हमें दूसरे दिन गाड़ी निकालनी है, खासकर सहायक क्षेत्र प्रबंधक फोर्ट श्री जयकरण सिंह द्वारा। और एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक्सीडेंट चालक उधर बस कानपुर से आ रही थी और आपका टूंडला से आके कुबेरपुर के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट को हल्का कोहरा होने के कारण वो आगे डामर का वो खड़ा हुआ था डंपर, उसके अंदर वो गाड़ी घुस गई है और गाड़ी घुसने के बाद बहुत बुरी तरह गाड़ी फटी है जिसके अंदर कम से कम 55 यात्री बता रहे हैं कि यात्रा कर रहे थे, दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। मैं घटनास्थल पे गया था। तेज धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों में फोर्ट डिपो का बाबू राजेश भी बताया गया है। राजेश छुट्टी लेकर कानपुर घर गया था, वह बस में बैठकर आगरा आ रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। बताया गया है कि लंबे रूट पर चलने वाली रोडवेज बस पर दो चालक होने चाहिए लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और एक चालक को बस लेकर भेज रहे हैं, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। इससे पहले भी चालक को नींद आने पर रोडवेज बस के एक्सीडेंट हो चुके हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।